हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आज हम इस एक्सरसाइज 5.1 को फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक इस वीडियो में लेंगे बच्चों। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए चैनल पे पहुँचे हैं, प्लीज़ बच्चों आप एक काम करिए, आप पार्ट 1 से देखिए, ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप 10 मिनट्स की वीडियो इधर उधर सर्च करोगे उससे देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये कैलकुलस है, इसको गहनता से समझना बहुत ज़रूरी है, आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई कितना भी कह दे 10 मिनट में सीखेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो वो सब झूठ बोलने की बातें हैं, ठीक है। आप जाइए और YouTube पे सर्च करिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 2π क्लासेस लिख दीजिए आगे, तो पार्ट 1 से खुल के आ जाएगा। या नीचे जाइए, चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स पार्ट 1 से देखिए तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, और जो पुराने बच्चे बने हुए हैं वो बने रहें, नए भी बने रहें। चलिए लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर बच्चों 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बोला जाता है क्या कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही आपको दिखाना है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है बच्चों। तो हमने आपको ये शुरू में इंट्रोडक्शन दे दिया था, थ्योरम नंबर 2 यहाँ पर हम फिर से आपको रिवाइज करा दें क्या, कि अगर आपके पास एफ और जी दो रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जिसके इनपुट और आउटपुट कैसे हों, रियल मतलब डोमेन और रेंज दोनों रियल होती हैं, सच दैट फॉग यानी कि एफ और जी को जो कंपोज करके एक फंक्शन बनाया गया फॉग, वो भी किसी पॉइंट सी पे डिफाइंड हो। तो इफ जी इज कॉन्टिन्यूस सी, अगर जी पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस और एफ जी ऑफ सी पे कॉन्टिन्यूस है, तो दिया गया फॉग पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है बच्चों। तो अब इसका क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से इस एफ ऑफ एक्स को काट देता हूँ, ठीक है ना, काट के जानबूझ के मैं इस क्वेश्चन को एच ऑफ एक्स करके लिख रहा हूँ। एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर, मतलब कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में हमने एफ और जी का यूज़ किया है। तो हमने आपको पहले बताया था ये जो बाहर वाला फंक्शन होता है ये होता है एफ ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे कि एग्जाम में अगर ऐसा आ गया एफ ऑफ एक्स लिख के तो हम क्या करेंगे, तो उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, ये जो बाहर लिखा होता है ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स बाहर वाला फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया कॉस, बाहर वाला फंक्शन क्या है कॉस, ठीक है कॉस एक्स, और अंदर वाला जो फंक्शन होता है वो होता है क्या आपका जी ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप फॉग निकालो एफ ऑफ जी ऑफ, आप फॉग निकालो, फॉग निकालने का मतलब समझते हो बच्चों, फॉग निकालने का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो फंक्शन एफ था उसमें जहां जहां एक्स आ रहा है वहां आप क्या रखोगे जी ऑफ एक्स, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या था कॉस एक्स, कॉस और एक्स की जगह आप क्या रखोगे जी ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों, ये बात होती है। एफ ऑफ एक्स क्या था कॉस एक्स, तो जैसे हम आपसे बोलें एफ ऑफ वन निकालो तो एक्स की जगह आप वन पुट करोगे, तो अगर हम आपसे बोलें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो तो फंक्शन एफ में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां आप क्या रखोगे जी ऑफ एक्स, तो कॉस एक्स, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे जी ऑफ एक्स, बस अब कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से चेक करिए कॉस ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स खुद ही एक्स स्क्वायर है, यहां से चेक करिए तो यहां ये हो गया एक्स स्क्वायर। इस तरीके से मैंने आपको दिखाया किस तरीके से फंक्शन एफ और फंक्शन जी को कंपोज करके एक नया फंक्शन बनाया गया जिसका नाम फॉग है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको दिखा दिया, अब डेफिनेशन आइए मैच कराइए, कह रहा है कि एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। चेक करो क्या एफ और जी, क्या ये दोनों रियल फंक्शंस हैं, एफ और जी क्या रियल फंक्शंस हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि कोई भी रियल नंबर अगर आप यहाँ एज अ इनपुट डालो, ठीक है, एक्स का वैल्यू आप कुछ भी डालो, रियल नंबर लाइन पे आप एक्स का वैल्यू कुछ भी डालो, ठीक है, तो फंक्शन एक ना एक वैल्यू पक्का देगा, और जो वैल्यू देगा वो भी रियल होगी, यानी कि इसका डोमेन इनपुट भी रियल है और आउटपुट यानी कि रेंज भी इसका क्या है रियल है। इसी तरीके से जो जी ऑफ एक्स है पॉलीनोमियल फंक्शन है, और पॉलीनोमियल फंक्शन का डोमेन रेंज दोनों ही रियल होता है, हमें पता है इसके इनपुट आप कुछ भी दो रियल नंबर, तो ये आउटपुट जैसे 1 दिया तो आंसर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 दिया तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2.1 दोगे 2.1 का जो भी स्क्वायर आता है 4.41 वो आएगा, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात तो ठीक होगी। इसके बाद कह रहा है सच दैट फॉग इज डिफाइंड एट सी, तो फॉग तो यही, फॉग क्या है कॉस एक्स स्क्वायर जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, ठीक है। फॉग क्या किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, सपोज कोई रियल नंबर सी है, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, तो कोई भी सी यहां अगर आप पुट करो बच्चों, कोई भी रियल नंबर अगर आप पुट करो, तो मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आप ये जो फॉग आया है ना आपका, फॉग ऑफ एक्स कितना है आपका कॉस एक्स आया, ठीक है, तो यहां आप कोई भी रियल नंबर रखो, यानी कि आप फॉग ऑफ सी निकालो, फॉग ऑफ सी निकालो तो कॉस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर भी अगेन एक रियल नंबर होगा, यानी कि कॉस, और कॉस के आगे क्या आएगा, कॉस के आगे यहाँ आएगा एक रियल नंबर, ठीक है बच्चों,
कॉस के लिए आएगा आगे यहाँ एक रियल नंबर, और वो जो रियल नंबर क्या होगा वो कोई नया नंबर नहीं, वो कॉस के लिए एंगल है रेडियन में, ठीक है। तो कॉस तो आपको हमेशा पता है, हमेशा किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो कॉस हमेशा डिफाइन होता है, यानी कि एफ ऑफ जी इज डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर सी। तो देखिए एफ इज डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर सी, ये बात भी ठीक होगी। तो कह रहा है इफ जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, आपको अब चेक करना है क्या कि जी क्या आपका, जी ऑफ एक्स क्या आपका एक्स स्क्वायर। अब ये तो एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। अब आपको चेक करना है कि कोई सी कोई रियल नंबर है क्या, ये जी ऑफ एक्स किसी रियल नंबर के लिए, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, जी ऑफ एक्स क्या कॉन्टिन्यूस है। बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, एक पॉलीनोमियल फंक्शन है तो जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि अगर आप चाहें तो लिमिट निकाल सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स किसी रियल नंबर सी पे, जी ऑफ एक्स की आप लिमिट निकाल रहे हो, ठीक है। तो याद आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, इसमें लिमिट लगाओगे आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू सी पुट करोगे, ठीक है। इसी तरीके से आप फंक्शन की वैल्यू सी पे निकालो तो जी ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सी स्क्वायर। तो आप क्या देखते हो लिमिट भी क्या आ रही सी स्क्वायर, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट सी पे भी क्या आ रही सी स्क्वायर। इसका मतलब ये जी ऑफ एक्स पॉइंट सी पे क्या है डिफाइंड है, डिफाइंड भी क्या है कॉन्टिन्यूस भी है। चलो छोड़ो उसे, ठीक है। ये देखिए ना आगे बात अभी करी जाएगी। हाँ यहाँ पे बोला तो है इन्होंने इफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी, मतलब जी किसी पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस है एंड एफ इज कॉन्टिन्यूस एट जी ऑफ सी। सुनो मेरी बात, ये जो जी ऑफ सी आपने निकाला है, ये जो जी ऑफ सी आपने निकाला है सी स्क्वायर आया है, सी स्क्वायर भी तो क्या है एक रियल नंबर ही तो है। अरे भैया किसी नंबर का स्क्वायर नंबर ही तो होगा, किसी रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर ही तो होगा, ठीक है। तो सी स्क्वायर भी क्या है एक रियल नंबर है, मतलब ये जो जी ऑफ सी आया था वह कितना आया था सी स्क्वायर। तो इसी जी ऑफ सी की जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ सी स्क्वायर, तो इस जी ऑफ सी पे क्या होना चाहिए फंक्शन f को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए आपका f क्या था, आपका f क्या था f ऑफ x क्या था आपका f ऑफ x आपका क्या था cos x था, ठीक है। तो ये जो g ऑफ c आया यानी कि c स्क्वायर आया है, ठीक है। तो c स्क्वायर कोई रियल नंबर होगा, लेट अस से k होता है, लेट अस से k होता है, ठीक है ना। तो लिमिट x अप्रोचेस टू k f ऑफ x ये कितना आ जाएगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू k cos ऑफ x, इसमें आप लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos k, और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट k पे निकालोगे तो f ऑफ k कितना आ जाएगा, f ऑफ k आ जाएगा cos k। तो आपने देखा पॉइंट k पे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस, और k था क्या k g ऑफ c था, k क्या था k g ऑफ c था, यानी कि फंक्शन f जो है वो कॉन्टिन्यूस है कहाँ g ऑफ c पे। इतना सब कुछ अगर हो जाए तब हम बोल सकते हैं क्या कि f ऑफ g इज कॉन्टिन्यूस एट c, हेंस वी कैन से दैट कि f of g is continuous, और f of g क्या था बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया था यही तो f of g था, hence f of g is continuous at x is equals to c, और c कोई रियल नंबर था। तो ये दिया गया फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फंक्शन दिया होगा ये बाहर वाला फंक्शन f of x होता है, अंदर वाला g of x होता है, फिर आप फॉग बना के देख लो किस तरीके से बनेगा, फॉग होता है f of g of x, ठीक है। तो जब आप बनाने चलोगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा किस तरीके से cos x square क्या है फॉग एक्स है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें डेफिनेशन को ये वाली याद करना है, ठीक है। उन्होंने बोला एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, तो जो एफ और जी आप सेलेक्ट कर पाएँ वो रियल वैल्यू फंक्शन होने चाहिए, उनकी डोमेन और रेंज दोनों रियल वैल्यू फंक्शन होने चाहिए, और जी मतलब जो अंदर वाला फंक्शन होता है, ठीक है, अगर वो कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट सी पे, और एफ जो बाहर वाला फंक्शन है अगर वो जी ऑफ सी पे कॉन्टिन्यूस है तभी एफ ऑफ जी कॉन्टिन्यूस होगा कहाँ सी पे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। अब बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन में तो यहाँ एफ ऑफ एक्स दिया रहता है, ऐसा दिया रहता है क्वेश्चन में, है ना। ये मैंने आपको डिटेल में बच्चों पहले भी समझाया है, ठीक है ना। तो जो बच्चे पहले से देख के आए उन्हें क्लियर समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया रहता है तो आप कैसे फिर बाहर वाले को अगेन एफ ऑफ एक्स बोल देंगे। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, सुनो इसको तुम उस टाइम क्या नाम दे देना, इसको उस टाइम तुम एच ऑफ एक्स दे देना, ठीक है। और यहाँ फॉग की जगह हॉग निकाल लेना, क्या दिक्कत है, फॉग की जगह हॉग निकाल लेना, ठीक है। तो हॉग इतना आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो बाहर वाला होगा यानी कि एच ऑफ एक्स, उसकी बात में करी जाती है। देखो ना बाहर वाले एफ की बात में, पहले हमने बाहर वाले को एफ माना था, हमने बाहर वाले को एच मान लिया, तो इसकी बात में करी जाती है। अंदर वाले की बात पहले करी जाती है, यानी कि जो जी होता है अंदर वाला जो होता है, ठीक है, वो किसी पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस होता है। यहाँ चेक कर लो g ऑफ x, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, किसी पॉइंट c पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और बाहर वाला कहाँ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बाहर वाला यहाँ हम h ऑफ x लिख लेते हैं, यहाँ हम h ऑफ x लिख लेते हैं, और यहाँ हम h ऑफ k लिख लेते हैं, ठीक है। तो बाहर वाला जो फंक्शन है वो किसी पॉइंट k पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। और k क्या है, k g ऑफ c के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन जो बाहर वाला होता है इट शुड बी कॉन्टिन्यूस एट g ऑफ c। तब फॉग को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस, यानी कि फॉग की जगह हम हॉग बोल देंगे,
एच ऑफ जी क्या है, कॉन्टिन्यूस है भैया, यही तो क्या है एच ऑफ जी है, हॉग है, क्योंकि ये बाहर वाला कॉस क्या है एच ऑफ एक्स है और अंदर वाला एक्स स्क्वायर क्या है एक्स जी ऑफ एक्स है। ठीक है, आशा करता हूँ मैं समझाने में सक्षम हूँ बच्चों। ठीक है, प्लीज़ आप इसका इंट्रो देख के आइए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, अगर नहीं अभी भी समझ में आया। ठीक है बच्चों, आप थ्योरम 2 देखिए, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। अब बाकी के क्वेश्चन मैं फटाफट कर दूंगा, इसको मैंने काफ़ी आपको समझा दिया। ठीक है, देखिए इसका पार्ट 2 पार्ट 3 ईजिली हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। आइए मैं आपके डेफिनेशन में ही सुधार कर देता हूँ। सपोज एच एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट हॉग इज डिफाइंड एट सी, इफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी एंड एच इज, ऐसे कर लो क्या दिक्कत है, एच इज कॉन्टिन्यूस एज एट जी ऑफ सी देन हॉग इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ऐसे कर लो, क्योंकि तुमको जो अगला क्वेश्चन दिया है उसमें भी उन्होंने एफ ऑफ एक्स नाम दिया है फंक्शन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, देखो कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अब ध्यान दो बच्चों, बाहर क्या लगा हुआ है मॉड, यानी कि बाहर वाला फंक्शन क्या हो गया एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स क्या हो गया बच्चों, एच ऑफ एक्स हो गया मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन को आप कैसे दिखाते हैं, मॉड ऑफ एक्स से। ठीक है, और जी ऑफ एक्स तो मॉड के अंदर वाला जो फंक्शन है, मॉड के अंदर वाला फंक्शन है कॉस एक्स। ठीक है, अगर हम आपसे बोलें कि हॉग निकालो, एच ओ जी हॉग ऑफ एक्स निकालो, ठीक है, हॉग एक्स निकालो, तो आप बोलोगे इसका मतलब होता है एच ऑफ जी ऑफ एक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये मार्कर नहीं चल रहा है, ब्लू मार्कर से आपको काम चलाना पड़ेगा बच्चों थोड़ी देर के लिए। ठीक है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स अगर निकालो, अगर हम आपसे बोलें यहीं पे देखो जरा, यहाँ पे देखो, अगर हम आपसे बोलें एच ऑफ वन निकालो तो आंसर क्या आएगा, मोड ऑफ वन। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन डाल दोगे, तो अगर हम आपसे बोलें एच ऑफ टू निकालो तो जहाँ जहाँ मॉड में एक्स है वहाँ आप टू पुट कर दोगे, तो अगर हम आपसे बोलें एच ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो तो आप क्या करोगे, मॉड के अंदर क्या पुट कर दोगे, जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड के अंदर जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स क्या था आपका, कॉस एक्स था। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि हॉग क्या है, कॉस ऑफ एक्स है, यही हॉग है, और इसी हॉग को आपको क्या दिखाना है, इसी हॉग को आपको कंटिन्यूअस दिखाना है। ठीक है ना, इसी हॉग को यानी कि मॉड ऑफ कॉस एक्स को आपको कंटिन्यूअस दिखाना है। बस मैं आपको कंपोज करके दिखा रहा था कि किस तरीके से मॉड एक्स और एक कॉस एक्स को कंपोज करके हॉग निकाला गया है, और वही हॉग क्या है, वही हॉग क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, यानी कि आपको हॉग को कंटिन्यूअस दिखाना है बच्चों। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का हम यूज़ करते हैं, वो क्या कह रहा है कि बाहर वाला एंड अंदर वाला आर रियल वैल्यूड फंक्शन, चेक करो, तो हम लिखेंगे सिंस, हम लिख देंगे, देखिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, सिंस आपको पता है कि एच ऑफ एक्स मॉड एक्स और जी ऑफ एक्स कॉस एक्स, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, सभी को पता है। पहली बात तो इसकी ट्रू हो गई, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब इसमें जब आप इनपुट डालोगे, कोई भी रियल नंबर एज अ इनपुट दो आप, चाहे एच ऑफ एक्स को दो चाहे कॉस एक्स को दो, इसके डोमेन मतलब जो इनपुट दोगे और जो आउटपुट आएगा दोनों ही क्या होंगे, इसके रियल वैल्यू होंगे। ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों ही रियल वैल्यू होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली बात तो ट्रू हो गई, कह रहा सच दैट हॉग इज डिफाइंड एट सी। अब सेकंड बात चेक करो इसकी क्या ठीक है, कि हॉग इज डिफाइंड एट सी, तो चेक करो हॉग क्या है आपका, हॉग ऑफ एक्स जो है वो है आपका मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है बच्चों, हमको पता है क्या, कि कोई भी रियल नंबर हो, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर सी हो अगर आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है, जैसे कॉस आपने वन डाला, ठीक है, कॉस वन का मॉड लोगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, रियल वैल्यू आएगा। ठीक है ना, कभी भी हमको पता है कि कॉस एक्स डिफाइंड नहीं होता किसी भी रियल नंबर के लिए, सॉरी कॉस एक्स किसी भी रियल नंबर के लिए अनडिफाइंड नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता है, बोल रहा था मैं गलती से, सॉरी, यानी कि एक्स का आप कुछ भी वैल्यू रखो कॉस एक्स एक आंसर देगा। कॉस का ग्राफ भी आपने देखा है, वो कभी नॉट डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉस का ग्राफ है, ठीक है, ये देखिए ऐसे चलता रहता है, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए लगातार चलता ही रहता है, इसका आउटपुट आता ही रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब हॉग इज डिफाइंड एट सी, क्या किसी रियल नंबर सी के लिए हॉग डिफाइंड है, हाँ बिल्कुल डिफाइंड है, तो हम लिख देंगे हॉग इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, हम यहाँ लिख देते हैं हॉग ऑफ एक्स जो कि क्या है मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऐसे लिख देंगे, इज डिफाइंड फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये फॉर ऑल का साइन है, ठीक है, किसी भी रियल नंबर सी के लिए ये डिफाइंड है। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है इफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी, चेक करिए
आपका g ऑफ x क्या है यहाँ पे, g ऑफ x है आपका cos x, ठीक है। और हमको पता है क्या कि cos x is continuous for every real number, ठीक है। तो cos x is continuous at every real number c, c belongs to real number, ठीक है। किसी भी रियल नंबर के लिए cos x क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, हमें पता है, ठीक है ना। और अगर चाहो आप तो cos x की कॉन्टिन्यूटी को दिखा भी दो यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसे दिखाओगे इसको, देखिए cos x की कॉन्टिन्यूटी को आप दिखा दो, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। c belongs to रियल नंबर है, और cos x की कॉन्टिन्यूटी को हम कैसे दिखाएंगे, हम इस तरीके से दिखाएंगे क्या कि हम लिमिट निकालेंगे x अप्रोचेस टू c पे, किसकी, cos ऑफ x की, यानी कि g ऑफ x की, ठीक है, g ऑफ x की, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, g ऑफ x की जगह हम रखेंगे cos x, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप चाहो तो लिमिट यहाँ सीधे लगा दो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फिर भी जैसे हमने cos x की कॉन्टिन्यूटी चेक करना सिखाया था ना x प्लस एच रख के, x इज इक्वल्स टू c प्लस एच रख के, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे बताया था हमने आपको बताया था कि x की जगह आप क्या रख सकते हो, c प्लस एच। तो ये लिमिट किस में चेंज हो जाएगी बच्चों, ये लिमिट चेंज हो जाएगी h अप्रोचेस टू जीरो में, और cos x की जगह आप क्या रखोगे, c प्लस एच, और इसमें फॉर्मूला लगा दोगे cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो cos a, यानी कि cos c इंटू cos h माइनस sin a इंटू sin, ठीक है, cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला लगा दिया। अब लिमिट रख दीजिए, h की वैल्यू जीरो डालो, cos जीरो कितना होता है वन, वन इंटू cos c हो जाएगा, और माइनस sin एच, साइन एच कितना होता है जीरो, जीरो इंटू साइन सी जीरो, तो पीछे कुछ नहीं आएगा, कॉस सी आ गया, ठीक है, लिमिट कॉस सी आ गया। और जी ऑफ सी अगर निकालोगे, जी ऑफ सी अगर निकालोगे पॉइंट सी पे फंक्शन की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, कॉस सी आ जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो, आप लिमिट पॉइंट सी पे जो लिमिट है फंक्शन की वो भी कॉस सी है, और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट सी पे भी कितनी, कॉस सी, यानी कि जो जी ऑफ एक्स था वो पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस है, हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है। तो ये बात भी ट्रू हो गई क्या कि जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी। आगे पढ़िए, कह रहे हैं एंड इफ h is continuous at g of c, सुनो बच्चों मेरी बात, ये g of c जो होगा ये cos c होगा, और cos c कोई क्या होगा, रियल नंबर होगा, ये जो cos c होगा ये कोई रियल नंबर होगा स्टूडेंट्स, और ये रियल नंबर जो होगा let us say ये क्या है, k, k belongs to any real number, ठीक है भाई, cos c में तो कोई नंबर होगा ना। तो ये जो g of c की वैल्यू आ रही है कितनी है, cos c है, ये कोई रियल नंबर है इस पॉइंट पे, किस पे, g of c पे, g of c पे, g of c पे किसको कंटिन्यूस होना है, h को। तो h क्या था तुम्हारा, s था mod of x, ठीक है, और आपको पता है कि mod of x is continuous for every real number, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सिंपली लिख देंगे, अब क्या आप लिख देंगे क्या कि सिंस h of x is equals to mod x is continuous for what, for g of c, for g of c, ठीक है, g of c के भाई कोई रियल नंबर होगा ना, g of c, k, g of c is equals to k, कोई रियल नंबर, इस रियल नंबर के लिए h of x क्या है, continuous, तो h of x continuous हो गया कहाँ पर, g of c पे। देन अब जो रिजल्ट आएगा आप सिंपली बोल सकते हैं, hence from the above observations we can say that कि hog of x is continuous for every real number, ठीक है, for any real number c भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो hog x is continuous, और hog x क्या है आपका, hog x आपका mod of cos x, और इसी को हमको continuous करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम language लिख लिख के बच्चों इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, इसको आप कर लीजिए। अब देखिए 33 भी मैं आपको समझाता हूँ, और फिर भी नहीं समझ में आया तो जाओ पहले इसका, जब इंट्रोडक्शन दिया था ना थ्योरम में, थ्योरम 2 जब पढ़ाया था, ठीक है, तो वहाँ से पहले जाओ पढ़ के आओ, रटोगे तो नहीं आएगा, समझो इसको। चलो स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बोल रहा है कि एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉड एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स लेट मी चेक इट, मेरी बुक में ठीक से प्रिंट भी नहीं हुआ है तो मैं इसके पीडीएफ में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सपोज इसको आपने एफ ऑफ एक्स बोल दिया, अब इसको हमको कॉन्टिन्यूस दिखाना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है एच ऑफ एक्स क्या है, बाहर वाला फंक्शन एच ऑफ एक्स होगा, यानी कि एच ऑफ एक्स क्या है, साइन, और साइन के साथ एक्स लगा दो, ठीक है ना, एक वेरिएबल भी तो लगाओगे,
ठीक। और अंदर वाला फंक्शन क्या है, देखो साइन किसका लिया तुमने, मॉड ऑफ एक्स का, तो जी ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर बच्चों, मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर हम तुमको बोलें कि कैसे हॉग कैसे बनाए, हॉग ऑफ एक्स कैसे बनाए, ठीक है, तो हॉग ऑफ एक्स कैसे बना है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स से बना है। अब सुनो सुनो मेरी बात, एच ऑफ एक्स क्या था, एच ऑफ एक्स साइन एक्स था। अगर हम तुमसे बोले एच ऑफ वन निकालो, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन पुट करोगे, ठीक है। अगर हम तुमसे बोले एच ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो, तो फंक्शन एच में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप क्या रखो डालोगे, जी ऑफ एक्स, यानी कि साइन ऑफ और एक्स की जगह आप क्या रखोगे, जी ऑफ एक्स, ऐसा करोगे। अब ध्यान से सुनो बच्चों, साइन और जी ऑफ एक्स खुद ही क्या है, जी ऑफ एक्स मॉड एक्स है, तो यहाँ आप क्या रखोगे फिर, मॉड एक्स। देखिए ध्यान से चेक कर लीजिए, ये जो हॉग आया है बच्चों, ठीक है, ये हॉग क्या है, मॉड साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स है, और यही हॉग क्या है, एफ ऑफ एक्स है, यानी कि इसी हॉग को आपको क्या दिखाना है, टू शो कॉन्टिन्यूस, इसी को आपको कॉन्टिन्यूस दिखाना है, इसी हॉग को, यानी कि एफ ऑफ एक्स को, ठीक। तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है, हॉग को अगर कॉन्टिन्यूस दिखाना होता है तो पढ़ लो डेफिनेशन, एच एंड जी रियल वैल्यूड फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो एच और जी दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है, आपको पता है किसी भी रियल नंबर के लिए साइन एक्स का आउटपुट जो होगा, यानी कि साइन एक्स जो रिजल्ट देगा, इसकी जो रेंज होगी वो रियल नंबर होगी, और जी ऑफ एक्स यानी कि मॉड ऑफ एक्स भी क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसके इनपुट आउटपुट दोनों ही रियल नंबर होंगे, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा है ना, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा है, ऐसे करके ग्राफ चलता है, ठीक है ना, साइन एक्स का, तो ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, ठीक। और इसी तरीके से मॉड एक्स का जो ग्राफ चलता है वो इस तरीके से चलता है, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये भी हर एक रियल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, जीरो के लिए भी और नेगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो एच एन जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, तो ये एच और जी तो तुम्हारे क्या हो गए, रियल वैल्यूड फंक्शंस हो गए स्टूडेंट्स। अब आगे कह रहा है सच दैट हॉग इज डिफाइंड एट सी, ठीक है, तो सपोज सी कोई रियल नंबर, सी इज एनी रियल नंबर, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हॉग डिफाइंड होना चाहिए किसी पॉइंट, किसी रियल नंबर सी पे। तो भैया हॉग क्या है तुम्हारा, हॉग ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, हॉग ऑफ एक्स है तुम्हारा कितना, साइन ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम कोई भी रियल नंबर इसमें रखो हॉग में, ठीक है, हॉग में अगर एक्स की जगह तुम रियल नंबर रखो, तो साइन ऑफ मॉड ऑफ रियल नंबर आएगा, साइन ऑफ मॉड ऑफ रियल नंबर, यहाँ भाई कोई भी रियल नंबर रखो, जैसा माइनस वन रखा, तो माइनस वन का मॉड क्या आ जाएगा, वन, तो साइन वन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती होगी ना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ कोई भी रियल नंबर रखो, ठीक है, साइन और उसका साइन लो, तो कुछ ना कुछ यहाँ क्या आएगी, रियल वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आएगी। तो हमने क्या दिखा दिया, हॉग पॉइंट सी पे क्या है, डिफाइंड है, हॉग भी पॉइंट सी पे डिफाइंड है। अब आगे पढ़ो, इफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी, ठीक है, अगर जी किसी पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस हो, तो ये जी ऑफ सी कितना है तुम्हारा, ध्यान से चेक करो, जी ऑफ सी क्या है, मॉड एक्स है, और मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, हमें पता है मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है, तो फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मॉड ऑफ एक्स मतलब कि जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो यही इन्होंने बोला था, जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी, तो जी भी कॉन्टिन्यूस हो गया। अब कह रहा है इफ, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर जी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, जी किसी पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस है, कह रहा है इफ एच इज कॉन्टिन्यूस एट जी ऑफ सी, मेरी बात सुनो भाई, अगर कोई रियल नंबर तुमने सी लिया, तो जी ऑफ सी क्या होगा, जी ऑफ सी मॉड सी होगा, जी ऑफ सी क्या होगा, मॉड सी। और सुनो मेरी बात, मॉड सी जब निकालोगे तो होगा तो कोई नंबर ना, तो सपोज मॉड सी क्या आता है, कोई रियल नंबर, अरे भाई किसी भी नंबर का मॉड तो कोई नंबर ही तो आएगा भाई, ठीक है, तो कोई नंबर क्या आता है, के, यानी कि आपको जी ऑफ सी पे, जी ऑफ सी पे यानी कि के पे किसको कंटिन्यूस दिखाना है, एच को, तो वी हैव टू शो दैट एच इज कॉन्टिन्यूस, दैट एच इज कॉन्टिन्यूस एट जी ऑफ सी मीन्स के पर, ठीक है, जी ऑफ सी सपोज क्या आता है, के आता है, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो बस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एच ऑफ एक्स क्या है आपका, एच ऑफ एक्स है आपका यहाँ पर क्वेश्चन में साइन एक्स है, ठीक है, और साइन एक्स को कंटिन्यूस मैंने दिखाना आपको सिखाया है, कैसे लिमिट निकाल लेंगे इसकी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉइंट के पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूस होता है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, साइन ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, और एक्स की जगह मैंने आपको बताया क्या पुट करोगे आप, सी प्लस एच, तो ये लिमिट हो जाएगी क्या, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और साइन ऑफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, सी प्लस एच, जो बच्चे शुरू से वीडियो देख के आए उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा दूँ क्या, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो,
साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए, साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ए इंटू, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ए की जगह क्या रखेंगे, सी, और बी की जगह एच। अब इसमें लिमिट लगा दो, जहाँ जहाँ एच आ रहा है वहाँ जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, वन इंटू साइन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन सी, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो इंटू कॉस सी जीरो हो जाएगा। तो लिमिट कहाँ पर, पॉइंट सी, किसी पॉइंट सी पे, सॉरी किसी पॉइंट के पे लिमिट कितनी आ गई बच्चों इसकी, यहाँ हमको के प्लस एच रखना चाहिए था, क्योंकि हम कहाँ चेक कर रहे थे इसको, के पे, ठीक है। तो यहाँ हमको के रखना चाहिए था, यहाँ भी हमको के रखना चाहिए था, यहाँ हमको के रखना चाहिए था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा यहाँ पर साइन के, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू अगर हम निकालें कहाँ पर, के पर, तो एफ ऑफ सॉरी एच ऑफ के, एच ऑफ के भी कितना आ जाएगा, साइन के, एक्स की जगह हम के रख देंगे। तो इस तरीके से देखा, पॉइंट के पे साइन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और ये के क्या था, के था जी ऑफ सी, यानी कि एच क्या है, एच कौन था, साइन एक्स था, ठीक है। तो साइन एक्स कहाँ कॉन्टिन्यूस हो गया, जी ऑफ सी पे। जब इतने काम सारे हो जाए तब हम इस डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि हॉग इज कॉन्टिन्यूस एट सी, हेंस हॉग इज कॉन्टिन्यूस एट सी। और हॉग क्या था तुम्हारा बच्चों, हॉग था तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया होता वही हॉग था, ठीक है। यही तो क्या है, हॉग है ना, हॉग बनाया था ना तुमने, हॉग ऑफ एक्स, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स था, हेंस साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं, कह रहा फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। देखो बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ, सुनिए, हमने पढ़ा था पहले ही, हमने पढ़ा था अगर दो फंक्शन है कोई f और g, और f और g अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो f माइनस g भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक। हमने पढ़ा था एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में, इसी तरीके से कोई फंक्शन अगर मान लीजिए f और g की जगह अगर हम बोल दें आपसे कि कोई फंक्शन g है एंड कोई फंक्शन h है, g एन h r, इफ इफ फंक्शन g एन h r कॉन्टिन्यूस, आर कॉन्टिन्यूस एट एनी पॉइंट c, देन देन g माइनस एच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ये बात हमको पहले से पता है, कॉन्टिन्यूस g माइनस एच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इज एट c, एट पॉइंट c, ठीक है, वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो बच्चों बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए ये f ऑफ x कैसे बना है, ये f ऑफ x एक्चुअल में बना है, ध्यान से चेक करिए, ये मॉड ऑफ x क्या है, g ऑफ x है, माइनस मॉड ऑफ x प्लस वन क्या है, एच ऑफ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आपसे क्या कि हेयर जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से समझिए जरा, देखिए जी ऑफ एक्स भी एक मॉडलस फंक्शन है, एच ऑफ एक्स भी एक मॉडलस फंक्शन है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन ही तो है ना, यानी कि ये दोनों ही फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो जी भी कॉन्टिन्यूस है, एच भी कॉन्टिन्यूस है, हेंस एफ ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि जी माइनस एच भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। पर समझिए जरा, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको अब ये प्रूफ करना होगा सबसे पहले तो क्या कि जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है और एच ऑफ एक्स भी, ये आपको एग्जाम में करके दिखाना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, तीन नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स को कॉन्टिन्यूस दिखाएंगे, ठीक है। तो केस हम लिख देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो या वी विल चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ व्हाट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ मॉड ऑफ, कॉन्टिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, बहुत ईजी बच्चों, ये मैं कई बार आपको करा चुका हूँ, मैं फटाफट कर देता हूँ। जी ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स की दो डेफिनेशन होती हैं क्या, कि जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो, तो मॉड ऑफ एक्स क्या आएगा, प्लस एक्स, और जब x इज लेस देन जीरो होगा तो मॉड ऑफ x क्या आएगा, माइनस x। ये डेफिनेशन हमने आपको पहले भी बताई, अब आप चेक कर सकते हैं, फॉर एनी रियल नंबर c बिलोंग्स टू, फॉर एनी रियल नंबर c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, व्हेन c इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, जब c इज ग्रेटर देन जीरो, ध्यान से चेक करिए, यानी कि आप बोल सकते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो फंक्शन क्या है, x है, तो उस टाइम g ऑफ x क्या है बच्चों, x है, जो कि क्या है, एक लीनियर पॉली नॉमियल है, एंड लीनियर पॉलिनॉमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब ये है बच्चों क्या, कि ये जो आप बात कर रहे हो किसकी, x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू जीरो है, तो जीरो के राइट में आपने चेक किया है, ठीक है, व्हेन c इज ग्रेटर देन जीरो या x इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये फंक्शन लीनियर पॉलिनॉमियल, तो यहाँ पे ये g ऑफ x क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसी तरीके से बच्चों
यहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्या कि फॉर फॉर सी इज लेस देन जीरो, सी इज लेस देन जीरो या एक्स इज लेस देन जीरो के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जी ऑफ एक्स क्या है, ये जी ऑफ एक्स इस टाइम क्या है, जब x का वैल्यू जीरो से छोटा है तो जी ऑफ एक्स क्या है, माइनस एक्स है, और माइनस एक्स भी क्या है बच्चों, लीनियर पॉलीनोमियल। तो ये जी ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो के लेफ्ट में भी कंटिन्यूअस है। अब बस कहाँ इसकी क्वांटिटी चेक करनी है, इसकी क्वांटिटी चेक करनी है हमको x इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू जीरो या आप बोल सकते हो क्या c इज इक्वल टू जीरो पे हम फंक्शन की क्वांटिटी चेक करेंगे। कैसे, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम g ऑफ x। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों क्या कि जब x की वैल्यू c से जब x की वैल्यू x अप्रोचेस टू जीरो माइनस, जब आप जीरो से लेफ्ट में होगे यानी कि x का वैल्यू जीरो से छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा, माइनस ऑफ x। ठीक है, तो लिमिट लगेगी किस पे, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस में जी ऑफ x की आप माइनस ऑफ x रखोगे और माइनस ऑफ x पे लिमिट लगाओगे, x का वैल्यू जीरो डालोगे, माइनस जीरो क्या होता है, जीरो ही तो होता है। तो इसी तरीके से राइट हैंड साइड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस जी ऑफ x यानी कि x का वैल्यू जीरो से बड़ा। तो x का वैल्यू जब जीरो से बड़ा होगा तो फंक्शन डेफिनेशन क्या है, फंक्शन x हो जाता है, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस तो फंक्शन x हो जाएगा, x की जीरो पुट करो आंसर जीरो आ गया, LHL RHL के इक्वल हो गया। अब g ऑफ जीरो निकालो यानी कि x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन g की वैल्यू, तो g इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या है, x है, जी ऑफ एक्स क्या है, x है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ जीरो रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो आप देख सकते हो बच्चों क्या कि एट एट x इज इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू जी ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, सब आपस में इक्वल हैं और सब की वैल्यू क्या है, जीरो है। इसका मतलब आपने क्या देखा कि x इज इक्वल टू जीरो पे भी या c इज इक्वल टू जीरो पे भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब लेस देन जीरो के लिए भी कॉन्टिन्यूस है, राइट हैंड साइड जीरो के लिए भी कॉन्टिन्यूस है और x इज इक्वल टू जीरो के लिए भी कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरीके से अब आप बोल सकते हो बच्चों कि नंबर लाइन पे जीरो के राइट में भी कोई नंबर हो, जीरो के लेफ्ट में भी हो, चाहे जीरो हो, हर जगह ये जी ऑफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरीके से आपने अभी अभी दिखा दिया क्या कि ये जी ऑफ एक्स क्या हो गया बच्चों, कॉन्टिन्यूस हो गया। आप क्या करेंगे, इसी तरीके से एच ऑफ एक्स को कॉन्टिन्यूस दिखाएंगे, फिर हम बोल देंगे कि जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, एच ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो जी माइनस एच भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, और जी माइनस एच क्या है, जी माइनस एच एफ ऑफ एक्स है, यानी कि एफ ऑफ एक्स दिया गया क्वेश्चन क्या है, कॉन्टिन्यूस है फॉर एवरी रियल नंबर। तो अब इतना आप पहले कर लीजिए, फिर मैं आपको एच ऑफ एक्स की क्वांटिटी चेक करके दिखाता हूँ, कर लीजिए। चलिए अब हम क्वांटिटी चेक करेंगे किसकी स्टूडेंट्स, एच ऑफ नाउ चेक द क्वांटिटी ऑफ एच ऑफ एक्स विच इज व्हाट, मोड ऑफ एक्स प्लस वन। तो एच ऑफ एक्स की डेफिनेशन, अब ये तो आपको याद होना चाहिए, सुनिए एच ऑफ एक्स क्या है, ये है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन। बच्चों मैंने आपको मॉड खोलना सिखाया था, मैंने क्या कहा था, मॉड के अंदर जो कुछ भी हो, मॉड के अंदर जो कुछ भी हो उसको उठा के पहले जीरो के इक्वल रख दो, ठीक, फिर आप एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, एक्चुअल में देखो क्या करते हैं, मॉड के अंदर जो कुछ भी है अगर वो लेस देन और अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, एक्स के मॉड के अंदर जो कुछ भी है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तो मॉड के अंदर जो भी होता है वो प्लस के साथ खुल के आता है, मैंने आपको कई बार बताया। ठीक है, तो मॉड के अंदर जो कुछ भी है, मॉड के अंदर जो कुछ भी है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो मॉड के अंदर जो कुछ भी है, मॉड के अंदर क्या, एक्स प्लस वन, अरे इसको ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, तो ये एक्स प्लस वन के आगे साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक, इसी तरीके से मॉड के अंदर जो कुछ भी है यानी कि जो x प्लस वन है अगर ये लेस देन जीरो हो जाए, ठीक, तो मॉड के अंदर जो कुछ भी है वो कैसा खुल के आएगा, माइनस के साइन के साथ। तो ये देखिए, ये बन गई आपकी क्या डेफिनेशन, किसकी, एच ऑफ एक्स की। मैं और सुधार के लिख देता हूँ उसको, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का डेफिनेशन बना क्या, ये तो प्लस से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो एक्स प्लस वन हो जाएगा। एक्स प्लस वन होता है कब, ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ से आप क्या करते हो बच्चों, यहाँ अगर मैं अभी अभी आपने देखा x प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, सब्ट्रैक्टिंग वन ऑन बोथ साइड, ठीक है, वन घटा दो राइट में भी लेफ्ट में भी, तो राइट में भी वन घटाओ लेफ्ट में भी, तो यहाँ वन से वन कट जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू
जीरो माइनस वन, माइनस वन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या कि फंक्शन का डेफिनेशन x प्लस वन होता है कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी वन सब्ट्रैक्ट कर दो बोथ साइड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस वन इज लेस देन जीरो, वन इधर भी माइनस करो, वन इधर भी, वन से वन कट जाएगा, तो x इज लेस देन जीरो माइनस वन माइनस वन। तो x का वैल्यू जब लेस देन माइनस वन होगा तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या खुल गया था, माइनस ऑफ मॉड ऑफ, सॉरी माइनस ऑफ x प्लस वन, यानी कि माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस x माइनस वन, माइनस x माइनस वन, ये बच्चों फंक्शन का डेफिनेशन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब नंबर लाइन पे हमको x इज इक्वल्स टू वन लेना है, बस वन पे क्वांटिटी चेक करेंगे इसकी, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, वन वन भी नहीं माइनस वन, बच्चों ध्यान से चेक करिए, कोई रियल नंबर अगर सी है, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड व्हेन सी इज लेस देन माइनस वन, या आप बोल सकते हो क्या कि x इज लेस देन माइनस वन, ठीक है। तो x इज लेस देन माइनस वन यानी कि वन के लेफ्ट में, ठीक है, x इज लेस देन माइनस वन पे फंक्शन क्या है, फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है, माइनस x माइनस वन क्या होता है, एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो इस टाइम जो फंक्शन का डेफिनेशन है h ऑफ x क्या है, वो माइनस x माइनस वन है, जो कि क्या है, एक लीनियर पॉलीनोमियल फंक्शन है, एंड लीनियर पॉलीनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। इसका मतलब x इज लेस देन माइनस वन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जब x का वैल्यू माइनस वन से छोटा है तो ये एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है, एच ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, सॉरी एच ऑफ एक्स, तो यहाँ एच ऑफ एक्स क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर आप चेक करोगे किसके लिए, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी इज ग्रेटर देन माइनस वन, या आप बोल सकते हो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जब माइनस वन से बड़ा है स्टूडेंट यहाँ पे, तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एक्स एक्स प्लस वन, यानी कि एच ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन। तो ये भी क्या है, ये भी लीनियर पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, राइट हैंड साइड भी ये एच ऑफ एक्स क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस, एच ऑफ एक्स यहाँ भी कॉन्टिन्यूस। अब क्वांटिटी कहाँ चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल्स टू वन पे बस, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू वन या सी इज इक्वल्स टू वन पे इसकी क्वांटिटी हम चेक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको चेक करते हैं, देखिए तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू वन माइनस, यानी कि वन पे आ रहा हो आप लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि x का वैल्यू वन से छोटा है, तो वन भी नहीं हम माइनस वन पे निकाल रहे हैं ना, x इज इक्वल्स टू माइनस वन पे इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो माइनस वन पे आ रहे हो आप कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो x का वैल्यू माइनस वन से छोटा होगा, x का वैल्यू माइनस वन से छोटा होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, यानी कि माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना रखोगे, माइनस वन रख दो ध्यान से, एक्स का वैल्यू माइनस वन रखोगे, माइनस वन रखो यहाँ ध्यान से, एक्स का वैल्यू माइनस वन रखोगे तो माइनस वन, और ये आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा आगे, और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब राइट हैंड साइड लिमिट निकालो, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड लिमिट निकालोगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन और प्लस, यानी कि माइनस वन पे आप आ रहे हो कहाँ से, राइट हैंड साइड से, यानी कि एक्स का वैल्यू माइनस वन से बड़ा है, तो एक्स का वैल्यू अगर माइनस वन से बड़ा होगा स्टूडेंट्स तो ये वाला फंक्शन चलेगा, यानी कि x प्लस वन, और यहाँ पे जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ माइनस वन रखेंगे, तो माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल आ चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे, हम h ऑफ माइनस वन निकालेंगे, यानी कि जब x का वैल्यू जस्ट इक्वल्स टू माइनस वन हो जाता है, तो x का वैल्यू जब माइनस वन के इक्वल होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, कौन सा चलेगा, x x प्लस वन, और x की हम क्या डाल देंगे, h ऑफ माइनस वन निकाल रहे हो ना, तो h ऑफ x उस टाइम x प्लस वन हो जाता था, x इज इक्वल्स टू वन पे, तो यहाँ पर x का वैल्यू बस माइनस वन रख देंगे तो h ऑफ माइनस वन आ जाएगा, तो आंसर फिर से क्या आ गया, जीरो। यानी कि आप देखते हो क्या, एट x इज इक्वल्स टू माइनस वन जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है और राइट हैंड साइड लिमिट है और जो फंक्शन की वैल्यू है h ऑफ माइनस वन, तीनों ही आपस में क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है, तो इसका मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू माइनस वन पे भी कॉन्टिन्यूस है, कौन, एच ऑफ एक्स। तो अब एच ऑफ एक्स इधर भी कॉन्टिन्यूस है, इधर भी, और x इज इक्वल्स टू माइनस वन पे भी कॉन्टिन्यूस है, एच ऑफ एक्स पूरी नंबर लाइन पे कॉन्टिन्यूस है। तो सुनो स्टूडेंट्स, जी ऑफ एक्स भी पूरी नंबर लाइन पे कॉन्टिन्यूस हो गया था, एच ऑफ एक्स भी पूरी नंबर लाइन पे कॉन्टिन्यूस हो गया था, हेंस जी माइनस एच भी क्या होगा, या जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आशा करते हैं क्वांटिटी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसी टाइप के बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।